दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और मैं एक आज मेरा एक क्लाइंट है जो मेरा कैंडिडेट है जो मलेशिया के लिए फ्लाइट कर रहा है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग चाहते थे कि लेटेस्ट अपडेट डाला करें, हम लोग रिव्यू डाला करें। ये रिव्यू है सरवन कुमार राजी, आप अपना नाम बताइए। सरवन कुमार, पासपोर्ट सब कहाँ रखें निकालिए। ये है इनका टिकट, ये इनका टिकट, ठीक है भाई। और ये है इनका पासपोर्ट, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। ये इनका वीज़ा लगा हुआ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है भाई, मलेशिया के। आफ्टर वीज़ा इन्होंने पैसा दिया था और इनका काम हो गया। पूछ लीजिए इनसे काम करा के हमारे से कैसा लगा, बताइए, बोलिए। काम करा के अच्छा लगा, थोड़ा कष्ट बोलिए। काम करवाते हुए अच्छा लगा, मलेशिया के मैं जा रहा हूँ। आज 12:15 फ्लाइट है इनका, 12:15 मेरा फ्लाइट है। हेलो दोस्तों, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जो चैनल पे अभी आपने देखा कि भाई इंडिया से फ्लाइट पे चढ़े हैं, तभी आपको हम दिखाते हैं मलेशिया आ गए हैं। अभी हम लोग साथ में ही खाना खा रहे हैं, अभी बताएंगे आपको कि एक्सपीरियंस हमारे साथ उनका सर्विस करने का कैसा रहा, उनको क्या क्या ट्रेवल्स हुआ, हम लोग ने उनको जो भी कामना काम यही है आगे पीछे करके कैसे सेटिंग करके क्या तरीका है, कैसे उनको मलेशिया हम लोग आ गए हैं वो, और वो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आए, वो आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो सरवन भाई चलिए आपके तब कैमरा घुमाते हैं, खा रहा बीच में, हाँ खाना खाते बात कीजिए आराम से। मैं सरवन कुमार गोरखपुर से मलेशिया आज उतरा हूँ। मैं पहले अपना वो पासपोर्ट किसी के कहने पर या बाकायदे मैं नहीं लगाया हूँ, मैं अपने मन से लगाया हूँ। पहले मैं लगाना भी नहीं चाहता था, मुझे डर था कि कहीं आदमी पैसे ले देते हैं और उनकी झांसे करके भगा देते हैं। पैसे के भाग जाने पर आज तो जानते ही हैं कितना आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। हमने ऐसा नहीं सोचा, हमें विश्वास नहीं कंपनी मिली और उनके कंपनी में अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। उनका भाई खुर्शीद आलम ने मेरा पासपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और मुझे कोलकाता के लिए बुलाया। एक हमारे दोस्त हैं इब्राहिम भाई, उन्होंने विश्वास दिलाया हमको कि आप काम कराओ, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। इब्राहिम भाई भी हमारे बहुत करीबी भाई हैं, उन्होंने हमें कोलकाता के लिए भेजा और 3-3 बार मेरा काम खराब हो गया था, अपना कुछ टेस्ट में परेशानी आने की वजह से। इन भाई लोगों ने ना मेहनत किया हमारे साथ कि मैं मलेशिया में आपके बाहर के बैठा हूँ और देखिए आपके सामने कुछ खाना भी खा रहा हूँ उन्हीं के साथ में। धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा, ये हम लोग का काम है भैया। इनका क्या था, मेडिकल का प्रॉब्लम था, इनका यूरिन का थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो और जहाँ से हम लोग मेडिकल हो रहा था इनका, तो उन लोग जानते हैं हम लोगों को, तो पता है कि भाई इनके प्रॉब्लम का रिपोर्ट क्लियर मत कीजिए, हम लोग सही करेंगे। तो इनको 2-3 बार परेशानी हुआ, सही हुआ। अब कोई भी आदमी नया जगह काम कर रहा था तो उनको उनका ट्रस्ट लेवल नहीं होता, लेकिन इन्होंने ट्रस्ट किया। हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, अप्रिशिएट हैं कि हमको ट्रस्ट किया और हम लोगों से सर्विस लिया। अब कहीं भी आप जाइएगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं भी कहीं पर काम ही करता हूँ और अपने काम को भी लेकर चलता हूँ। तो काम करने का तो यही तरीका है कि आप कहीं भी जाएंगे काम करना पड़ेगा। ये जो है रेस्टोरेंट में है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज है जो आने वाले दिनों में आपको उसकी वीडियो मिलेगी। तो जो भी बंदा देख रहा कि उनको कहना है कि भाई अपडेट नहीं करते नफीस भाई, क्या कर रहे नहीं कर रहे, तो भाई कोई भी आदमी दुकान तुरंत खोलता तो उसकी सेलिंग नहीं होती। चाहे कोई बिज़नेस शुरू करता है, कोई भी काम शुरू तो उसकी तुरंत सेलिंग नहीं होती। आदमी को देखने समझने परखने में आदमी को टाइम लग जाता है, तो आस्ते आस्ते काम होता है। आने वाले दिनों में आपको जैसे जैसे हमारे कैंडिडेट अपने अपनी जगह पर रीच करेंगे, जॉब मिलेगा उनको, वैसे वैसे हम अपनों को यूट्यूब पर अपडेट करेंगे, ठीक है। अभी तक भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को दबा लीजिए। आने वाले दिनों में हमारी सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी, जो करियर को जॉब मिलेगा और उसके बाद आपको हमसे सर्विस अच्छा मिलेगी। उम्मीद हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा सर्विस, ये मार्केट ख़राब है लेकिन काम अच्छा करना चाहते हैं, मार्केट में जम के आगे दिन तक काम करना चाहते हैं। अभी हमारी छोटी उम्र है, कम उम्र है, आगे वाले दिनों में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग से इतना सपोर्ट करें, प्यार करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप हमारे वीडियो को बहुत ही दिलचस्पी लेके देखते हैं, हमें कॉल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए वैकेंसी सर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अपने दोस्तों अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो अप्लाई करना चाहते हैं जाना चाहते हैं प्लान कर चुके हैं तो प्लान पहले से कर लीजिए, क्योंकि आप अभी भी प्लान करें तो 2 महीने 3 महीने लग जाता है टाइम। तो ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।